अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुक्रवार 8 मार्च को दिग्रस नगर पालिका के सभागृह में घन कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक बंदी तथा खाद निर्मिति पर वर्कशॉप का आयोजन किया। इस मौके पर स्वच्छता महिला कामगारों का सत्कार भी किया गया। इस दौरान पालिका मुख्याधिकारी माधुरी बड़ावी ने उपस्थित महिलाओं को मार्गदर्शन किया। कुर्सी पर बैठकर आदेश और फरमान के साथ ही रौब झाड़ने वाले अधिकारियों की तो वैसे कोई कमी नहीं, लेकिन कर्मचारियों के साथ जमीन पर उतरकर विभिन्न नागरिक कामों को अंजाम देने वाले अधिकारी बेहद विरले होते हैं। दिग्रस नगर पालिका मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी भी इन्हीं में से एक है। कर्मचारियों के साथ खुद होकर नालियों की सफाई से लेकर कचरा प्रबंधन कार्य करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। वैश्विक महिला दिवस की पूर्व संध्या पर भी उन्होंने न सिर्फ नदी किनारे पसरी गंदगी और कचरे के ढेर हटाए, बल्कि शुक्रवार को महिला दिवस के औचित्य पर पालिका सभागृह में घन कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक बंदी और खत निर्मिति पर वर्कशॉप का आयोजन किया। इस दौरान बचतगढ़ सहित मजदूर पेशा गरीब महिलाओं का सत्कार भी किया गया। इस कार्यक्रम का आगाज मजदूरी करने वाली महिलाओं के हाथों राष्ट्रमाता जीजाबाई, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और अहिल्या देवी होलकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न महिला बचत गुटों की पदाधिकारी और सदस्य आए और सफाई महिला मजदूर बड़ी संख्या में उपस्थित थी। वैश्विक महिला दिवस पर बधाई देते हुए आयोजित वर्कशॉप के बारे में मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने उपस्थित महिलाओं का मार्गदर्शन किया। आज जागतिक महिला दिनानिमित्त आम्ही नगरपालिका दिग्रसच्या वतीने घन कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक बंदी आणि खत निर्मिती याबाबतची एक छोटीशी कार्यशाळा आम्ही इथे आयोजित केली होती। या कार्यशाळेचा उद्देश हा होता की आपल्या घरी जो कचरा तयार होतो तो कचरा कोणत्या प्रकारचा आहे आणि ते कचरा कशा प्रकारे आपल्याला विलगीकरण करायचं, त्याचं ओला कचरा कोणता, सुका कचरा कोणता आणि घातक कचरा कोणता, हे आम्ही बायांना समजून सांगितलं। आणि आपल्या घरी जो कचरा तयार होतो त्या कचऱ्यापासून आपण खत निर्मिती करू शकतो। जर महिलांनी खत निर्मिती केली तर आम्ही त्यांच्या घरी झाडं लावू शकतात, त्यापासून फळभाज्या किंवा इतरही झाडांचे ते रोपण करू शकतात। तेही समजा केलं नाही तुम्ही तर नगरपालिका त्यांच्याकडनं 4 रुपये किलोप्रमाणे ते खत विकत घेणार आणि मग आम्ही जे काही प्लांटेशन करू त्याच्यासाठी आम्ही उपयोग करणार। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की ज्या महिला बाहेर लोकांच्या घरी काम करतात, धुणीभांडी करतात आणि इतरही कामं करतात, सोबतच त्यांनी आत्ता आमच्या जे सफाई कामगार संपावर गेले, ते संपावर गेले असताना आम्हाला जे सफाई कामगारांची गरज पडते किंवा सगळ्या 9 महिला आमच्यासोबत होत्या ते आणि चांगलं शहर स्वच्छ करतात आणि अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतात आणि म्हणून ह्या महिलांचा प्रतिनिधी सत्कार व्हायला पाहिजे म्हणून आज आम्ही हा इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को न सिर्फ खत निर्मिती की जानकारी दी गई, बल्कि निर्मित खत को खरीदने के आश्वासन के साथ ही उन्हें रोजगार का अवसर भी प्रदान किया गया। बहरहाल इस दौरान पालिका कर्मियों ने भी पालिका सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में उपस्थित महिलाओं को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करते हुए उन्हें महिला दिवस की बधाई भी दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिला दिवस पर पालिका प्रशासन द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप के जरिए कार्यक्रम में समाज के हर तबके की महिलाओं को एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि और प्रेरणा देने के काबिले तारीफ काम को अंजाम दिया गया है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।